17 दिसंबर को कुल्लू के बंजार से आईसिस के संदिग्ध आबिद खान से जल्द ही एनआईए की स्पेशल टीम कुल्लू पहुंचकर पूछताछ करेगी। संदिग्ध की गिरफ्तारी के बाद कुल्लू पुलिस के एसपी ने जिले के सभी 8 थानों को हाई अलर्ट जारी करने के आदेश दे दिए हैं। इन थानों के प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पूरे क्षेत्र में बिना पहचान के रह रहे लोगों की छानबीन करें और जल्द से जल्द रिपोर्ट भेजें। वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोगों ने प्रदेश सरकार और खुफिया सरकारी तंत्र पर आरोप लगाया है कि ऐसे मामलों पर इतनी ढीली कार्रवाई क्यों की गई। बहरहाल आरोपी 5 दिनों की पुलिस रिमांड पर है। आरोपी से जुड़े तमाम तथ्यों को खंगालने की कोशिश की जा रही है। मैंने सभी जो एसएचओज हैं इनको अलर्ट पर रखा है कि आपके थाना क्षेत्र में इस टाइप के कोई संदिग्ध कोई भी रहता है, उनकी पूरा वेरिफिकेशन करें, उनकी छानबीन करें और मुझे यहाँ बताएं। दूसरा ये कि मैं आपके चैनल के माध्यम से भी ये कहना चाहता हूँ कि लोकल लोग जो भी हैं, अगर उनको लगता है कोई इस टाइप का संदिग्ध उनके ध्यान में आया, कहीं रह रहा है, तो उसकी सूचना भी हमें दें। उधर इस पूरे मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई है। हिमाचल बीजेपी ने सरकार और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी नेता प्रेम कुमार धूमल ने इस मामले पर सरकार पर सीधा निशाना साधा है। सरकार हर मोर्चे पर असफल है, चाहे कानून व्यवस्था की स्थिति हो, चाहे विकास का मामला हो। कानून व्यवस्था की स्थिति में आपने देख लिया कि आईएसआईएस का संदिग्ध आतंकवादी कई महीने तक आकर कुल्लू की हसीन वादियों में आनंद लेता रहा, यहाँ रहा और कहते उसके पास पैसा भी नहीं था तो रहता कैसे था, कौन उसको पैसा देता था। वो बाहर के रहने वाले हैं और वो यहाँ पर मुस्लिम हैं और यहाँ पर वो ईसाई के रूप में आपको ईसाई बताते थे, नाम भी ईसाई रखा था और वो पहले किसी जगह और जगह है कुदू में या भुंतर में, उसके बाद वो बंजार में। और इस पूरे मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई, लेकिन बड़ी बात यह है कि आबिद खान से अब जल्द ही एनआईए की टीम, जो स्पेशल टीम है, वो कुल्लू पहुंचकर पूछताछ करेगी। ज्यादा जानकारी के लिए संदीप मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, क्या कुछ जानकारी आपके पास है, एनआईए की टीम कब कुल्लू पहुंचेगी? मोनिका, फिलहाल एनआईए की टीम पहुंची नहीं है, देर रात तक पहुंचने की उम्मीद है, जिसके बाद वो आगे की पूछताछ में पुलिस के साथ शामिल होगी। मोनिका, फिलहाल ये देखा जा रहा है कि जो लैपटॉप और मोबाइल मिला है उसमें कुछ डाटा है जिससे कुछ अहम सबूत इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने भी आज पूछताछ की है, उसके अलावा आईवी की टीम और सीआईडी की टीम ने भी लगभग 2 घंटे तक आबिद खान से पूछताछ की है। और फिलहाल इस वक्त जो है एनआईए के उच्च अधिकारियों की टीम यहाँ पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद बाकी के जो तथ्य है वो सामने आ पाएंगे। जी संदीप, कितने दिन तक ये पूछताछ हो सकती है? और इस बीच कहीं ना कहीं कुल्लू पुलिस एसपी ने जिले के 8 थानों को अलर्ट भी जारी कर दिया है, कौन कौन से 8 थाने हैं? जी बिल्कुल मोनिका, इसी मामले को लेकर एसपी कुल्लू ने जिला के 8 पुलिस थाने हैं, क्योंकि 4 तहसील यहाँ आती हैं, वहाँ के 8 थानों के एसएचओ को डायरेक्शन दे दी है कि जितने भी उनके क्षेत्र आते हैं वहां पर अनआइडेंटिफाइड लोग जो काफी समय से रह रहे हैं उनकी छानबीन की जाए, अगर कोई ऐसा मामला आता है तो जल्द से जल्द की जाए। वहीं दूसरी ओर एसपी कुल्लू जो है वो ये भी कहते नजर आए हैं कि अगर इस तरीके के कोई भी संदिग्ध लोग अगर दिखाई दे रहे हैं तो स्थानीय लोग सीधा पुलिस से संपर्क करें। जी मोनिका। जी संदीप, इस बीच ये भी निर्देश जारी किए गए हैं कि एक डाटा इकट्ठा करें कि आसपास कौन कौन से लोग रह रहे हैं, क्या इस दिशा में भी पुलिस काम कर रही है? जी बिल्कुल, इस वक्त फिलहाल इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस जो है वो ग्राउंड पर काम करना पुलिस ने शुरू कर दिया है। फिलहाल यही दावा किया जा रहा है कि जल्द जितना भी इंपॉर्टेंट डाटा है उसको कलेक्ट करके जिला मुख्यालय में पुलिस के एसपी हेडक्वार्टर में पहुंचाया जाएगा। फिलहाल अगले 5 दिनों तक इस आबिद खान से पुलिस हर तमाम जानकारी को जुटाने में लगी रहेगी, क्योंकि ये मामला काफी गंभीर हो गया है। जी मोनिका। जी संदीप, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।